एडवेंचरस इंसान की कहानी भी बताने वाले हैं जनाब। अमरीकी एक मुहिम जो है जिनका नाम है कॉलिन ओब्रिडे, और ये बर्फीले बरे आज़म एंटार्क्टिका को क्रॉस करने वाले जो है पहले शख्स हैं। एडवेंचर किसी भी हद तक आपको लेकर जा सकता है, और इसका मुंह बोतला सबूत ये अमरीकी मुहिम जो है जिन्होंने अकेले बर्फीले तरीन बरे आज़म एंटार्क्टिका को अबूर करने की तारीख रकम कर दी है। 33 ईयर्स ओल्ड है और ये अमेरिकन हैं, और बेसिकली पेशे के अतबार से एथलीट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इन्होंने बग़ैर किसी साथी या मदद के एंटार्क्टिका को 54 डेज़ में अबूर किया, और उन्होंने इस दौरान 921 मील का सफ़र जो है, यानी कि फासला जो है, वो तय किया, और वो इस बर्फीले बरे आज़म को अबूर करने वाले पहले शख्स बन चुके हैं। इस अपने एडवेंचर का कहानी उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया और लिखा कि एंटार्क्टिका को अबूर करना इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर ऐसी सर्दी थी कि इंसान वहाँ पर फ्रीज हो जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये उन्होंने लिखी कि 32 आर सबसे ज़्यादा जो इस एडवेंचर के आखिरी 32 घंटे थे वो उनके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतरीन भी थे। इससे पहले कई लोग जाने की कोशिश कर चुके हैं, और इसमें एक 2016 में बात की जाए तो एक इसी तरह के मुहिम जो थे जिन्होंने 30 मील की दूरी पर थे, लेकिन थकावट और पानी की कमी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी और बस बरे आज़म को अबूर नहीं कर सके थे। तो अब ये जो अमेरिकन हैं इन्होंने जनाब इस बरे आज़म को अबूर किया और तारीख रकम करवाई है, और अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इन्होंने डिटेल्स लिखी थी।